के अपन बन जो है वो देखने को मिल रही है। अपना दल के ने 3 प्रत्याशियों का किया ऐलान, तो फूलपुर मिर्जापुर कौशाम्बी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एसपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की है, तो समाजवादी पार्टी ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा की है। एसपी ने मिर्जापुर से भी प्रत्याशी उतारा है। मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद होंगे एसपी के प्रत्याशी, और मिर्जापुर सीट ही है जो अनबन का कारण बताया जा रहा है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच अनबन जो है वो यहां पर नजर आ रही है। तो मिर्जापुर सीट को लेकर ये खींचतान दोनों दलों के बीच, अपना दल के ने 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। फूलपुर मिर्जापुर कौशाम्बी से चुनाव लड़ने का ऐलान अपना दल के की तरफ से किया गया है। तो एसपी ने भी लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो की है, जिसमें 6 और प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए एसपी ने मिर्जापुर से प्रत्याशी उतारा है। मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद होंगे एसपी के प्रत्याशी। वहीं दूसरी तरफ अपना दल का मेरावादी की बात करें तो उन्होंने भी मिर्जापुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो मिर्जापुर सीट जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच खींचतान को लेकर सुर्खियों में। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अविनाश, समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 और प्रत्याशियों का ऐलान, और उसके बाद समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच खींचतान। बिल्कुल, देखिए ये अनबन राज्यसभा चुनाव के दौरान ही देखने को मिली थी, जब पल्लवी पटेल ने खुलकर विरोध किया था समाजवादी पार्टी की नीतियों का। लेकिन कल जिस तरीके से अपना दल कमेरावादी ने 3 जगहों से चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसमें मिर्जापुर कौशाम्बी और फूलपुर, हालांकि देखा जाए तो पहले से इस बात की प्रबल संभावना थी कि समाजवादी पार्टी फूलपुर से पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन कमेरावादी अपना दल कुछ और सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती थी, जिसकी वजह से कल खुलकर अपना दल कमेरावादी ने अपने अपने मंसूबे साफ कर दिए। हालांकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल शाम में ही जो एक लिस्ट आई समाजवादी पार्टी की, उसमें मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, यानी कि दोनों दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दोनों दलों की राहें अलग होती हैं तो फिर समीकरण क्या होता है, क्योंकि देखा जाए तो एक एक कर जो गठबंधन के साथी हैं वो बिछड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आरएलडी की बात करें तो आरएलडी सबसे पहले गठबंधन से अलग हुई, और अब जिस तरीके से अपना दल कमेरावादी ने अपना तेवर जाहिर किया है, दिखाया है, उससे बिल्कुल साफ होता है कि गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में जो रास्ता होगा आसान बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अब गठबंधन में प्रमुख रूप से देखें तो समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस बची है। तो अब क्या कदम होता है समाजवादी पार्टी का और अपना दल कमेरावादी का, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और अक्सर ये देखा जाता रहा है अविनाश अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलने की बात तो जरूर की जाती है, लेकिन जो अपना वर्चस्व है, जो अपना अपने आप को ऊपर दिखाना है, सुपीरियर दिखाना है, तो उसमें वो जिस भी दल को अपने साथ लेकर चलते हैं वो उसको भी दरकिनार कर देते हैं। तो क्या यहां पर भी वो चीज दिखाई पड़ रही है? देखिए सच है कि अखिलेश यादव अपने कुनबे को एक साथ रखने में अभी फिलहाल मौजूदा समय में असफल दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी उस गठबंधन का हिस्सा थी, और चूंकि कई मौकों पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी साथ नजर आए थे, लेकिन निकाय चुनाव में ही चूंकि दुनिया बननी शुरू हो गई थी और असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी गठबंधन से अलग हो गई, और अब जिस तरीके से अपना दल कमेरावादी ने जिस तरीके से तेवर दिखाया है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो पूरा गठबंधन का एक कुनबा है, जो हिस्सा है, उसको एक साथ रखने में असफल हो रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो ना सिर्फ जो उनके सहयोगी हैं, बल्कि अगर हम साथ के नेताओं की बात करें, चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, सलीम शेरवानी की बात करें, या उन नेताओं की बात करें जो पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए, या फिर राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह ने क्रॉस वोटिंग की, और चूंकि देखिए सीधा आरोप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि तमाम ऐसी नीतियां हैं, चाहे हम पीडीए की बात करें, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे गए समाजवादी पार्टी की तरफ से तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सलीम शेरवानी ने, पल्लवी पटेल ने खुलकर विरोध किया कि अखिलेश यादव पीडीए की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब इसे लागू करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो इसमें पीछे छूट जाते हैं, इससे चूक जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कथनी और करनी में फर्क साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इसी यही वजह है कि चुनावों में उसका खामियाजा भी अखिलेश यादव को भुगतना
महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अगर बात करें हम मुलायम सिंह यादव की तो वो गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं एक विश्वास उन्होंने रखा और सबको साथ लेकर चले और उन्होंने इतना ये बड़ा दल जो है वो खड़ा किया, लेकिन अखिलेश यादव उस राह पर चलते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसपी और अपना दल के बीच अनबन की खबरें हैं, हालांकि ये क्या अनबन आगे बढ़ती है ये देखना होगा। बढ़ते हैं आगे, तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।